सो नमस्ते बच्चों, होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेली वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय दी रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ये साइंटिस्ट है, ये नाम आप लोगों को याद रखना है। 1831 में इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था। उसके बाद द मटीरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय द फ्लेमिंग। तो ये दूसरे साइंटिस्ट है फ्लेमिंग, जिन्होंने नाम दिया था उसके न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल था उसको। जब स्टेन किया तो वो कलर दिखाई दिया, माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा तो वो कलर मटेरियल दिखाई दिया, और उस कलर मटेरियल को उन्होंने नाम दिया क्रोमेटीन। ठीक है, क्योंकि क्रोम मतलब होता है कलर। अगर मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को बताऊं न्यूक्लियस की, तो ये पिक्चर आप लोगों को दे रखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो एनसीईआरटी की पिक्चर आप लोगों को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर में जो फ्लूइड मटेरियल हो गया है यहाँ पे न्यूक्लियस में, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट। फिर एक और स्ट्रक्चर यहाँ न्यूक्लियस के इस न्यूक्लियोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये चारों तरफ से मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है। ठीक है, फिर यहाँ न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है बच्चों वो चारों तरफ से डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन जो होती है वो कहीं कहीं पे फ्यूज हो जाती है, और जब वो फ्यूज हो जाएगी तो वहां पे स्ट्रक्चर बन जाएगी न्यूक्लियर पोर। तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनसाइड जो मैट्रिक्स हो गया वो हो गया न्यूक्लियोप्लास्ट, सेंटर में जो स्ट्रक्चर हो गई वो हो गई न्यूक्लियोलस, और साइड में जो मेम्ब्रेन है वहां पे बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर पोर, जिससे ही जो मटेरियल है न्यूक्लियस और साइटोप्लास्ट, या साइटोप्लास्ट न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में आता जाता रहता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये पिक्चर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मेरी क्या है, तो नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा सा डिटेल है इसके बारे में, वो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, देखो सबसे पहले दैट हैज रिवील्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दैट हैज रिवील्ड दैट अ न्यूक्लियर एनवेलप व्हिच कंसिस्ट ऑफ द टू पैरेलल मेम्ब्रेन, और उन दोनों पैरेलल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है बच्चों वो है 10 to 15 नैनोमीटर। ठीक है, 10 to 15 नैनोमीटर, और उस स्पेस को, दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, और दैट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन वाला एरिया होगा वहां से तो मटेरियल आर पार नहीं जा सकता, मटेरियल आर पार जा सकता है न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही। आउटर मेम्ब्रेन हम लोगों ने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होती है, और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। ठीक है, कई जगह पे जो न्यूक्लियर एनवेलप होगा वो इंटरप्टेड होगा बाय दी माइन्यूट पोर, और ये माइन्यूट पोर बनते हैं बाय दी फ्यूजन ऑफ दी टू मेम्ब्रेन व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। न्यूक्लियर पोर्स जो है बेसिकली वहीं से ही मटीरियल आर पार होगा। This pore basically provide the passage through which the movement of RNA and protein molecule take place. ठीक है, और ये जो movement होगी वो nucleus से cytoplasm में भी हो सकती है, और cytoplasm से nucleus में भी हो सकती है। ठीक है, कुछ mature जो cells होती हैं उनमें nucleus absent होता है। Examples इसके पूछे जाते हैं बच्चों की कौन सी cells होती है जिनमें की nucleus absent है, तो वहां आप लोगों को बताना है erythrocyte। ठीक है, और सीव ट्यूब इन प्लांट सेल एंड एरिथ्रोसाइट इन एनिमल सेल। जो मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, जो आरबीसी होती है, उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और जो सीव ट्यूब होती है जो कि बेसिकली फ्लोएम का पार्ट होती है, उसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और पॉइंट्स की। तो और पॉइंट्स क्या क्या है बच्चों, जो न्यूक्लियस मैंने पहले बताया आपको, जो अंदर जो फ्लूइड मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट। इसी न्यूक्लियोप्लास्ट में न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है, और क्रोमेटिन जो कि कलर स्ट्रक्चर है वो भी प्रेजेंट होती है, और दैट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल है ना इन सेल डिवीजन, और या फिर मैं कहूंगी इन ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। वो किस तरह से करती है मैं आपको बताऊंगी। न्यूक्लियाई स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जो कि अगर हम लोग इसको सिंगुलर कह रहे हैं, देखो न्यूक्लियाई जो है वो एक प्लूरल वर्ड हो गया, और मैं अगर इसको सिंगुलर कह रही हूँ यानी एक ही कह रही हूँ, तो ये हो गया न्यूक्लियोलस। सो दैट्स नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर,
इसका क्या फंक्शन है न्यूक्लियस के अंदर, ये पूछा जाता है कई बार। सो इट इज अ साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, आरएनए जो होते हैं बच्चों वो तीन टाइप्स के होते हैं, है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। यहाँ पे जो एक टाइप आप लोगों को यहाँ पे बता रखा है वो है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। इसको हम लोग बच्चों, इस राइबोसोमल आरएनए को हम लोग कहते हैं स्मॉल आर एंड देन कैपिटल आरएनए, आर आरएनए, ये शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं आर आरएनए, ठीक। किसी किसी सेल्स में एक से ज्यादा भी ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो सकती है अगर वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं बेसिकली दैट हैज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और द सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ विच द डिस्क शेप स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, दैट्स कॉल्ड काइनेटोकोर। क्या है ये सेंट्रोमियर, मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, हमारे पास में पिक्चर है एनसीईआरटी से लिया हुआ, देखिए ये देखिए, ठीक है। तो ये पिक्चर मैंने एनसीईआरटी से लिया है, आप लोगों को भी दिख जाएगा वहां पे, आप इसमें देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन कहलाता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो एक क्रोमोजोम की है। इस क्रोमोजोम में ये दो आर्म्स होती है, एक ये वाली आर्म होगी, एक ये वाली आर्म होगी, इन दोनों को बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिड, यानी एक क्रोमोसोम जो बना होता है वो दो क्रोमेटिड से बना हुआ हो। अब इस सेंट्रोमियर की जो पोजीशन होती है बच्चों, इस सेंट्रोमियर की पोजीशन पे हम लोग क्रोमोसोम को चार टाइप में डिवाइड करते हैं। कैसे, अगर बिल्कुल मिडल में है ये सेंट्रोमियर, तब हम लोग उस क्रोमोसोम को कहेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है, बिल्कुल बीच में है, तो इसकी दोनों साइड पे जो आर्म्स होंगी वो इक्वल लेंथ की होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक की। तो सब मेटासेंट्रिक में क्या हुआ, ये जो सेंट्रोमियर हुआ ये स्लाइटली ऊपर आ गया, ठीक है, अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, मिडल में नहीं है, मिडल से थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, एक तो शॉर्ट आर्म हो गई और दूसरी साइड क्या हो गई, लॉन्गर आर्म हो गई। तो इस कंडीशन को या इस टाइप के क्रोमोसोम्स को हम लोग कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। अब और ऊपर आ गया ये सेंट्रोमियर, तो उस टाइम पे कंडीशन बनेगी एक्रोसेंट्रिक, जिसमें ये बिल्कुल ही इतना क्लोज आ जाता है, दैट वुड बी क्लोज टू इट्स एंड, तो जो इसका एंड पोर्शन है उसके बिल्कुल पास आ गया। तो उस केस में और भी एक साइड पे तो और भी छोटी आर्म्स हो गई और एक साइड पे बहुत ही लंबी आर्म हो गई। तो इस टाइप के क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। और लास्ट वाला जो बचता है वो बचता है हमारा टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। उसमें ये सेंट्रोमियर जो होता है बच्चों बिल्कुल टर्मिनल, बिल्कुल एंड पे हो जाता है, बहुत ही माइन्यूट सी छोटी छोटी आर्म्स होती है। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन पे हम लोगों ने इसको चार टाइप्स में डिवाइड किया है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड द टीलोसेंट्रिक। ये आपके हैं मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड द टीलोसेंट्रिक। सेंटर में सेंट्रोमियर है, मतलब मिडल में सेंट्रोमियर है, अवे फ्रॉम द मिडल है, टुवर्ड्स टू द एंड है, और एट द एंड, इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन गूगल मीट। थैंक यू सो मच बच्चों।